रविवार को एक बार फिर नगर पालिका निगम भिलाई ने जिला पुलिस बल और जिला प्रशासन के सहयोग से संडे मार्केट सुपेला में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। अवैध कब्जों को यहां पर ढहा दिया गया और व्यापारियों से संडे मार्केट की स्थिति सुधारने में सहयोग करने की अपील की गई। नगर पालिका निगम भिलाई लगातार 8-10 हफ्तों से संडे मार्केट की स्थिति सुधारने के लिए संडे मार्केट के व्यापारियों को नोटिस देकर समझाइश दे रहा था। स्थिति न सुधरने पर 3 हफ्ते पहले एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया था और उसके बाद व्यापारियों ने भी अपने बेजा कब्जे को हटाने की बात कही थी। बावजूद इसके व्यापारियों ने अपने कब्जे नहीं हटाए और संडे मार्केट की स्थिति जस की तस बनी हुई थी, जिसे देखते हुए एक बार फिर रविवार को नगर पालिका निगम भिलाई जिला प्रशासन और पुलिस के साथ संडे मार्केट की स्थिति सुधारने के मकसद से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देता नजर आया। जब नगर निगम कार्रवाई को अंजाम देता है तो कुछ व्यापारी निगम के सहयोग में खड़े हो जाते हैं और कुछ विवाद की स्थिति पैदा करते हैं। बावजूद इसके नगर निगम लगातार स्थिति को सामान्य बनाने के लिए कार्रवाई करता रहा। इस कड़ी में एक बार पुनः संडे मार्केट से अवैध कब्जे को निगम भिलाई की टीम ने तोड़ने का काम किया और फिर व्यापारियों को चेतावनी दी कि बाजार आपका है और बाजार की शोभा आपको ही बना के रखनी है, ताकि इस बाजार में ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदी करने आ सके। देखिए, निगम की लगातार 8-10 सप्ताह से इस पे कार्रवाई चल रही है। पिछले 3 सप्ताह पहले भी हमने एक बृहद कार्रवाई की थी, उसमें आप सब मौजूद थे। लोगों को अब समझ में आ गया है कि यहाँ पे खुले में व्यापार करना या अपने आवंटित दुकान के बाहर व्यापार करना प्रशासन के लिए दिक्कत हो रहा है, इसलिए प्रशासन लगातार हम पे दबाव बना रहा है और हम कार्रवाई कर रहे हैं। व्यापारी भी समझ रहे हैं कि अब हमको दुकान के अपने हद में रह के काम करना है और जो ठेले खोमचे जो लग रहे हैं वे भी अब एक समझदारी के काम कर रहे हैं कि वो अपने दुकान के सामने जो लगता है उसे हटा दिया गया है, रोड पे जो लग रहे हैं उसे हटा दिया गया है और लोग स्वस्फूर्त होकर आज अपने निगम प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का और जिला प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं, इसलिए कार्रवाई लगातार जारी है। संडे मार्केट को व्यवस्थित करने के लिए यह नगर निगम के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए पिछले 1 सप्ताह से लगातार लोगों को समझाइश दी जा रही थी और लोगों को ये समझाया जा रहा था कि ये जो व्यवस्था का सुधार किया जाए उन्हीं के हित में है, क्योंकि अगर मार्केट व्यवस्थित होगा तो अधिक से अधिक लोग जो है मार्केट में आएंगे, क्योंकि कुछ लोग इसीलिए मार्केट में नहीं आते कि मार्केट में इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है, परेशान रहते हैं। तो अगर मार्केट व्यवस्थित होगा तो लोगों जो व्यवसायी है उन्हीं के हित में होगा और ज़्यादातर ज़्यादा लोग आएंगे और ज़्यादा अच्छी मार्केटिंग होगी। इन सबको ध्यान में रखते हुए नगर निगम की टीम के द्वारा ये सब कार्रवाई की जा रही है और इसमें पुलिस और प्रशासन की टीम शांति व्यवस्था के लिए उपस्थित है। नगर पालिका निगम भिलाई लगातार अपने क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए अवैध कब्जों पर कार्रवाई करता आ रहा है, परंतु इनके द्वारा की गई कार्रवाई आगे पार्ट पीछे सपाट की तरह नजर आ रही है। जरूरी होगा कि इन कार्रवाइयों की बारंबारता बढ़ाई जाए, जिससे इन कार्रवाइयों का फायदा आम जनमानस को मिल सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट।